चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तुतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवतै श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द क्रियाद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म निजलीला प्रविष्ण विष्णु पादष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत रूप साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म निजलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी तुम्हें यथाजी प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। हम लोग माधुर्य कादंबिनी का जो पहला जो पृष्ठ है उसमें हम लोग श्रवण कर रहे थे ज्ञान कर्म योग इसको द्वारा जीव भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान को पाने का केवल एक ही उपाय वो भक्ति है। अब ये भक्ति भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलती है और किसी उपाय द्वारा भक्ति नहीं मिलती है। इसलिए उन्होंने स्थापन किया था भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति से बड़ा वस्तु जगत में कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम भक्त वत्सल। क्या नाम है? भक्त करते ना भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान खुद कहते हैं न साधयन्ति माम योग न धर्म कर्म उद्धव न साधय तपस्त्याग यथा भक्ति ममर्जिता। कृष्ण उद्धव जी को कहते उद्धव जी मेरे को ये ज्ञान कर्म योग जैसे वसूल करने कर सकता है हैं भगवत भक्ति मेरे को जितना जल्दी भगवत भक्ति मुझे वसूल करता है। इसलिए केवल भक्ति बस चैतन्य गोसाई भगवान केवल भक्ति के ही दर्शन करते हैं और किसी चीज को ठाकुर जी हृदय में नहीं देखते हैं। इसलिए जो पहला दृष्टि में उन्होंने तरह तरह का युक्ति और तर्क को द्वारा उन्होंने ये स्थापन किया भगवान केवल भक्ति को द्वारा ही वशीभूत होते हैं। भक्ति के बगैर उनको प्राप्त कर नहीं सकते। अब ये द्वितीय दृष्टि में अभी वो प्रेरणा करते हैं जो पहले उन्होंने कुछ तर्क और वितर्क दिया। कोई कहते हैं ज्ञान बड़ा है कोई कहते हैं भक्ति बड़ा है हैं? उसको तरह तरह का जो कि तर्क को द्वारा पहले हम सुन करके आए हैं कहते नहीं भगवान खुद कहते हैं दिया मान अपना गृहती मत सेवक मत सेवन होना। अगर मैं भक्तों को मुक्ति देना चाहता हूँ है ना मुक्ति देना चाहता हूँ भक्त लोग कहते प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए हमें तो आपकी प्रेम की सेवा चाहिए हमें आपकी भक्ति चाहिए। इसलिए कहते से वृत्तासुर उपाख्यान में वहां पर बताए क्या श्लोक है क्या वृत्तासुर दस श्लोक है चार श्लोक में एक श्लोक है ननाक प्रेष्टम न च पार प्रेष्टम न सार्वभौम न साधिपत्यम नो योग सिद्धिर पुनर्भवोपा। यहाँ पर श्री वित्रासुर भगवान को स्तुति करते करते कहते हैं कहते ननाथ प्रेष्टम अगर भगवान बोले भैया तुम्हें स्वर्ग दे देता हूँ स्वर्ग ले बोले प्रभु हमें स्वर्ग नहीं चाहिए बोले स्वर्ग नहीं चाहिए बोले नहीं बोले उसको सबसे श्रेष्ठ लोग दे देता हूँ ब्रह्म लोग ले लो प्रभु हमें ब्रह्म लोग नहीं चाहिए
अगर ब्रह्मलोक नहीं चाहिए रसाधिपत्यम, उससे ज्यादा ऐश्वर्य रसातल में, कहते उसको ले लो, बोले हमें नहीं चाहिए। बोले अगर उसको नहीं लेना चाहते हो न अपूर्ण रखो, जहाँ जाने पर जीव कभी ये संसार में आते ही नहीं, जन्म मृत्यु का चक्कर में कहीं पड़ते ही नहीं, वो मुक्ति ले लो, अपने प्रभु में मुक्ति नहीं चाहिए है। नहीं तो जोग सिद्धि, जोग सिद्धि मतलब क्या है, कद अनिमा लखिमा प्राप्ति प्राकाम्य, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि कहते हैं ना, उसमें अद्भुत अद्भुत आप एक साथ में 50 रूप धारण कर सकते हो। जैसे श्री सौभरे ऋषि जब मानता था कि बेटी को शादी करने के लिए गए, बोले एक आपकी एक राजकुमारी दे दो हैं, लेकिन इनका रूप इतने एकदम दुबले पतले हो गए कि शरीर में हड्डी हड्डी था, तपस्या करते करते उन्होंने देखा, ये कहता है आपकी सुंदरी बेटी दे दो, लेकिन हमारी एक से एक सुंदरी बेटी राजकुमारी, इसकी शरीर में हड्डी हड्डी केवल, इसको थोड़ी पसंद करेगी। बोले भैया हमारे तो एक नियम है, स्वयं पर सभा होती है उसमें बेटियां चुनती हैं अपना उपयुक्त पति। वो समझ गया मेरे रूप देख कर इसका पसंद नहीं, वो इतनी सुंदर रूप धारण किया, 50 बेटियां 250 कर। वो कहते मैंने मन मन में सोची शादी करने के लिए, तेरे से पहले मैंने सोच लिया, फिर तेरे से पहले मैंने सोच लिया। उसने एक साथ में 50 रूप धारण किया और 50 राजमहल बनाया और सबका साथ में अलग अलग रहता था। मतलब ये जो सिद्धि है ना अद्भुत है, सूर्य रश्मि को साथ दे करके सूर्य लोक में जा सकते हो, चंद्र लोक में जा सकते हो, एक साथ में 1000 रूप अलग अलग जगह पर धारण कर सकते हो, जो इच्छा सो मिलेगा, पानी के ऊपर में आप चल करके जा सकते हो, अद्भुत अनुभव है। बोले उसको ले लो, बोले नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं भक्त लोग मुक्ति तक भी भगवान देने पर मुक्ति को नहीं चाहते हैं, हैं? लेकिन क्यों? बोले भक्ति में जो आनंद है, हाँ कृष्ण प्रेमानंद जय आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नय तार एक बुद्ध। बोले कृष्ण भक्ति आनंद में जो रस समुद्र है उसका साथ में करोड़ ब्रह्मानंद मिला देने पर भी भक्ति रस समुद्र के एक बूंद के साथ में भी बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर पहले बोलते हैं अगर एक ग्रंथ है जिसका नाम ऐश्वर्य कादम्बिनी, कहते वह ग्रंथ में ये सब विषय को लेकर के हैं, कौन सा विषय को लेकर के भगवान की भक्ति बड़ी ना ब्रह्म बड़े बड़ा है, ये सब चीज को लेकर वहां पर बहुत तर्क वितर्क, वहां पर सब कहते वो ग्रंथ को देख लो वहीं पर सब मिलेगा। अभी हम तो आपको भक्ति के बारे में धीरे धीरे भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी इसी विषय पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ। देखो ये जो ग्रंथ है वो एक अद्भुत ग्रंथ है, ये ग्रंथ को कोई समझ सकता है, ये ग्रंथ सब नहीं समझ सकते, इसको कौन समझ सकता है, जो सचमुच से निष्कपट रूप में भगवत प्राप्ति की जिनकी इच्छा है, जिनके हृदय में भक्ति के सिवाय प्रभु के प्रेम के सिवाय जिसके हृदय में किसी तरह का कोई कामना वासना नहीं हो, कहते ये वही व्यक्ति ये चीज को समझ सकते हैं। सभी ये चीज को समझ नहीं सकते हैं, ये चीज को सभी नहीं समझ सकते। उदाहरण दिया गुरुदेव, उदाहरण देते थे जैसे 5 साल की एक लड़की हो, 5 साल की कोई एक लड़की हो, अगर तुम उसको शादी की बात करो, तुम्हारी शादी होगी वह उसी लड़के से प्रेम करो, वो थोड़ी समझेगी, वो नहीं समझेगी, क्यों? उसका भी उम्र नहीं है, 5 साल की है। लेकिन लड़की जब सियानियाँ हो जाती हैं, 16, 17, 18, 20 साल की हो जाती है, अब देखना उसको अगर प्रेम की बात थोड़ी सी बोलोगे ना, वो बोलोगे थोड़ी सी लेकिन वो समझेगा बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा समझेगी, क्यों? अभी उसको उम्र हो गई है, उसको अभी उम्र हो गई। कहते उसी तरह अभी की जो बात कर रहे हैं ये बात को वही समझ सकते हैं जिसके हृदय में निष्कपट रूप में केवल भक्ति पाने की इच्छा, जीवन में और कोई चीज उसकी इच्छा नहीं, सचमुच से वो चाहता है हमें भगवान के प्रेम, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति
हो, कहते केवल वही व्यक्ति ये चीज को समझ सकता है, सबको बोलने पर भी सबकी पल्ले में ये बात पढ़ने वाले नहीं। ये ऐसे क्योंकि जो ग्रंथ है अद्भुत ग्रंथ है, हमारे संप्रदाय में पहले हम सुन रहे थे ना ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर मतलब क्या है, दूध में कितने पानी और उसमें कितने दूध है, जैसे बैरोमीटर पर डाल वो बता देता है इतने इसमें पानी और इसमें इतने दूध है, ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ है अद्भुत है, ये किसी संप्रदाय में ये ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं। और जिन लोगों ने लिखा है ना वो राधा रानी के नित्य परिकर है, राधा जी की ये नित्य परिकर है, जिन्होंने राधा जी की भक्ति को प्रेम को प्राप्त किया, जुगल चरण की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अनुभूति करके बताए तुम भक्ति जगत में धीरे 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 के ऊपर में उठ सकते हो। अभी हम कोशिश करेंगे उसका एक एक लाइन पढ़ने के लिए, ठीक है। ज्ञान कर्मादि से अमिश्रित इंद्रिय रूपी क्षेत्र में आविर्भूत होने वाली शुद्ध भक्ति एक कल्पलता के समान है। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, भक्ति को एक कल्पलता को साथ में उदाहरण दिया, कल्पलता मतलब क्या है, जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा, और भक्ति को क्या उदाहरण दिया, एक लता। हमको समझाने के लिए कैसे हमारे पल्ले में कुछ पड़े, भक्ति को क्या बताया, ये एक लता भी बराबर है। लेकिन कहते वो लता कैसे होनी चाहिए, वो जो भगवत भक्ति हृदय में प्रकट होती है उसको लता बताया, वो हृदय में कब वो भक्ति रूपी लता कब प्रकट होगी उसको बोले, अगर भक्ति तभी शुद्ध भक्ति होगी, इसलिए रूप गोस्वामी उन्होंने भक्ति का डेफिनेशन दिया है, क्या डेफिनेशन दिया, बोले अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मार्थ अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। बोले उत्तम भक्ति क्या है, कहते भक्ति करने के लिए आपको क्या क्या गुण होनी चाहिए, तो उन्होंने भक्ति की डेफिनेशन अलग अलग शास्त्र में तो बताया, लेकिन उन्होंने सबको लेकर के एक श्लोक उन्होंने ये बताए, भक्ति की हर तरह का जो लक्षण है वो एक श्लोक में। इसलिए भक्ति करने के लिए आपके हृदय में किसी तरह का कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम, हमें धन की जरूरत नहीं, हमें जन की जरूरत नहीं, हमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, सुंदरी कोई स्त्री की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें संसार की किसी चीज की जरूरत नहीं, पर जरूरत क्या है, केवल एक भगवत सेवा भगवत भक्ति ही हमें चाहिए, और दुनिया की कोई चीज हमें नहीं चाहिए। भक्ति करने से पहले, शुद्ध भक्ति करने से पहले अगर सचमुच से भगवान को पाना चाहते हो तो वो कहते भैया कि सारी इच्छाओं को पहले हृदय से त्याग करो, पहले हृदय से सारी चीज को त्याग दे दो, अगर त्याग नहीं दोगे, हाँ भक्ति तो होगा कुछ सुकृत तो बनेगी, लेकिन तो भगवत प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी, भगवत प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी, हाँ कुछ सुकृत धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति तुम्हें, भगवत दर्शन तुम्हें नहीं होगी, अगर ये सब कामना वासना अगर हृदय में रहे तो। इसलिए बोले अन्या विलासिता शून्यम, कोई हृदय में कोई अभिलाषा नहीं रहे, केवल एक ही अभिलाषा है भगवत भक्ति और भगवत प्रेम, केवल हृदय में रहे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ज्ञान कर्मादि में अमृत, जिसमें ज्ञान और कर्म जिसमें नहीं हो, जिसमें कर्म की भी इच्छा की नहीं हो, जिसमें ज्ञान की भी इच्छा नहीं हो, ये दोनों चीज हमें त्याग करना पड़ेगा। ये जो ज्ञान है, जो व्यक्ति वो ब्रह्म साजुज्य प्राप्त करना चाहते, लास्ट में हम ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते, कर्म मतलब है हम बढ़िया कर्म करके दान पुण्य करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे, नहीं तो मोह लोक में जाएंगे, जनन लोक में जाएंगे, तप लोक में जाएंगे, और वहाँ ऐश्वर्य को हम भोग करेंगे। ये हृदय से ये सारे भोग का जो वृत्ति है हृदय से त्याग देनी हमें चाहिए, त्याग देनी चाहिए। लेकिन फिर वहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं भैया ज्ञान कर्मादि अनावृतम, लेकिन उन्होंने ज्ञान कर्म को छोड़ने के लिए नहीं बताया, उन्होंने त्याग देने के लिए नहीं बताया, ज्ञान कर्म को थोड़ा ढकने नहीं चाहिए,
भक्ति ज्ञान कर्म से ढकने नहीं चाहिए। अभी जो हम कथा सुन रहे हैं वो तो ज्ञान है, ये भी तो ज्ञान है ना। लेकिन ये ज्ञान कौन सा चीज की ज्ञान है? बोले भगवत भक्ति को जो मदद करने वाले जो ज्ञान है, भगवत भक्ति को जो आगे बढ़ाने वाले जो ज्ञान, ये ज्ञान है। कर्म जैसे मंदिर साफ करते हैं, रोशनी बनाते हैं, ठाकुर को श्रृंगार करते हो, ठाकुर को पूजा, अभी तो कर्म है। लेकिन ये जो कर्म है, ये जो कर्म है ये साधारण कर्म नहीं, ये भगवत संतोष मूलक कर्म। हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, भगवत प्रीति युक्त मूला ये कर्म है। इसलिए यहाँ पर बताए, इसलिए कहते हृदय में, ठीक जरूर, हृदय में तभी ये भक्ति लता रूपी, भक्ति लता तभी उदय होगी जब हृदय से ये सब संसार की कामना वासनाओं को हम त्याग देंगे, तभी भक्ति लता ये हृदय में तभी प्रादुर्भूत होगी। तद उसी भक्ति कल्प लता का कोई भाग्यवान पुरुष ही आश्रय लेता है। हाँ देखो यहाँ पर कह रहे हैं भैया ये शुद्ध भक्ति को कौन जाजन कर सकता है, ये कल्प लता भक्ति लता को उसमें कौन आश्रय ग्रहण कर सकता है, सभी नहीं, ये चीज को सभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण कहते हैं सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सोटि महामुनि, करोड़ों करोड़ों में कोई एक सौभाग्यवान व्यक्ति को ये भक्ति लता आश्रय वही ग्रहण करता है, साधारण व्यक्ति ये चीज को आश्रय ग्रहण नहीं कर सकते हैं और ये शुद्ध भक्ति मार्ग में चले नहीं सकते। अब देखो भक्तों का नाम देखो, हाथ में गिनोगे तो उनका नाम आएगा, मतलब भक्ति इतने दुर्लभ। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जो भक्ति दुर्लभ नहीं, भक्ति सुदुर्लभ, उन्होंने बताया भक्ति ये सुदुर्लभ है, जिसको महाप्रभु रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे धूल कणा को नहीं गिन सकते हो, जैसे बारिश का बूंद नहीं गिन सकते हो, जीव को भी गिन नहीं सकते, उसमें किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को कहीं मानव शरीर मिलता, मानव शरीर में ऐसे कुछ जो कि जंगल जानवर जैसे रहते हैं, उसके अंदर में कुछ सभ्यता में आते हैं, जो सभ्यता में आते हैं कुछ कुछ लोग होते हैं जो वेद को मानते हैं, मुंह से मानते हैं लेकिन उसका उल्टा कर्म करते हैं, काम करते हैं उल्टा काम करते हैं, लेकिन उसको अंदर में जो वेद मानते हैं उसमें बहुत लोग जिसको कर्म में विश्वास है, जिनकी भक्ति में विश्वास नहीं, मतलब ऐसे करोड़ों करोड़ कर्म में किसको एक ज्ञान में अधिकार होता है, ऐसे करोड़ों करोड़ ज्ञानियों में किसी को ये शुद्ध भक्ति में किसकी प्रवेश होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया जो भक्ति रूपी जो कल्प लता है उसको कौन आश्रय ग्रहण करेगा, बड़े सौभाग्यवान, बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को ये भक्ति में रुचि होती है। देखो बड़ोदर में कितने लोग हैं बताओ, कितने लोग लेकिन मंदिर में कितने लोग आते हैं, मंदिर में कितने लोग आते हैं। इसलिए शंकर जी कहते अति हरि कृपा जा कर वही पाप दे या संगत से, पार्वती जिसको परम भगवान की कोई विशेष कृपा हो, पाप दे या संगत सोई, वही व्यक्ति ही शुद्ध भगवत भक्ति को जा जाए कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य वह सौभाग्यवान जीव मधुकर की भांति व्रत धारण कर केवल मकरंद का पान करता है। तद वो जो सौभाग्यवान जीव वो क्या करता है, जैसे अलग अलग जैसे फूल खिला हुआ, लेकिन भ्रमर क्या करता है, फूल के ऊपर बैठी करके केवल शहद ही ग्रहण करता है, हैं? केवल शहद शहद ग्रहण करता है। इसलिए कहते भक्तों के एक उदाहरण दिया है कि मधुकर है, मतलब एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी बनकर क्या करनी चाहिए, कहता है कि मक्खी और एक मधुमक्खी, मक्खी क्या करता है गंदे चीज में बैठती है, मधुमक्खी क्या करती है फूल पर बैठती है, इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए हमें मधुमक्खी बन करके केवल पुष्पों के ऊपर बैठ कर क्या करो, केवल उससे केवल शहद को ग्रहण करो, केवल शहद को ग्रहण करो, इसलिए मक्खी मत बनो, क्या बनो मधुमक्खी। वो क्या करता है मधुमक्खी बन करके केवल मकरंद का पान करता है, केवल रस को पान करता है। इसका मतलब क्या है, देखो भक्ति करना तो हमें इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसने ये कर रहा है, उसने ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मैं ऐसे क्यों करूं,
कोई कोई कहते ना भक्ति, और जब वो ऐसे कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँ? नहीं भैया, सारा दुनिया बाहर में जाए, जो जिधर जाना उधर जाए, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं तो कोशिश करूंगा जीवन में शुद्ध भक्ति को जागरण करते हुए कैसे जीवन में एक लक्ष्य रख करके, हमें एक लक्ष्य रख करके इधर उधर लक्ष्यों को हम भटकाने नहीं चाहिए, एक लक्ष्य करके बस। मंत्र साधन की बात, शरीर पतन, भले ही ये शरीर हमारी पतन हो जाए लेकिन हम अपना लक्ष्य को प्राप्त करके छोड़ेंगे, लक्ष्य को हम अपना लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इधर उधर नजर नहीं देख करके केवल एक तरफ में एक नजर रख करके इस जीवन में कैसे हम भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, पूरा हमें एक लक्ष्य करके हमें चलनी चाहिए, इधर उधर मत देखा जाओ, इधर उधर हमें नहीं देखनी चाहिए, एक लक्ष्य पर रहो तभी तो वो वस्तु को जीवन में प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं पान करता उस सत्र को कुछ ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार इन्होंने केवल भक्ति रस का पान करने के लिए भगवत सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के फल को त्याग का व्रत धारण कर रखा है, वही इस भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते भैया ये भक्ति लता को कौन आश्रय ग्रहण करता है, कौन आश्रय ग्रहण करता है? बोले वही व्यक्ति ही ये भक्ति लता को आश्रय ग्रहण कर सकता है जो केवल जिनकी इच्छा है केवल जीवन में मकरंद ही पान करना, केवल मधुकर बन करके मकरंद पान करना और इधर उधर किसी चीज को हम प्राप्त नहीं करनी चाहिए। इसलिए जैसे हमारे गोस्वामी लोगों को देखो, सारे गोस्वामी को हे राधे ब्रज देव के चललिते, हे नंद सुन कुत श्री गोवर्धन कल्प पादब तले, कालिंदी बन्ने कुतः गोसंतान बीति सर्वत्र। उसके बाद में बन्ने रूप सनातन प्रभु जुगो श्री जीव गोपाल बनते, हे कृष्णा आप कहाँ हो? हाँ दिन रात उसमें विवल होकर के कभी गोवर्धन में, कभी राधा कुंड में, कभी श्याम कुंड में, हाँ एकदम उसी में डूब करके बोले संख्या पूर्वक नाम गान नदी, जीवन में संख्या पूर्वक नाम करना, उनके गान करना, उनका कीर्तन करना, उनकी जय ध्वनि देना, हाँ नाम गान नदी कालावसान कृत हो तो समय को कभी भी इधर उधर चीज हमें नहीं लगानी चाहिए। देखो एक चीज है, हमें कोई बोलेगा भैया क्यों ये चीज को गंदी चीज को कर रहे हो तब करेंगे, ऐसे नहीं, अपना हृदय से ही जो भक्ति की प्रतिकूल वस्तु है अपना हृदय से त्याग देनी चाहिए। अगर हमें कोई बोलेगा भैया काम क्यों कर रहे हो, ठीक नहीं ये काम करो, नहीं ऐसे नहीं, अपना हृदय से ही ये चीज आनी चाहिए, नहीं जो भक्ति की अनुकूल वस्तु है केवल वही वस्तु देखना, वही व्यक्ति सुनना, वही चीज को बोलना, जो भक्ति में जो प्रतिकूल जिसमें हमारी मन भगवत चिंतन भक्ति को छोड़ करके दूसरे चीज में मन को जा रही है उसको स्वयं रोको। हमें कोई बोलेगा फिर जाकर के हम करेंगे, इसको नहीं, हमें कब तक कौन बोलते रहेगा, हमें कब तक गुरु वैष्णव हम बोलते रहे नहीं ये चीज क्यों कर रहे हो, ये चीज तो तुम्हारी भक्ति के अनुकूल नहीं प्रतिकूल, इसको छोड़ो, जाकर के छोड़ेंगे? नहीं भैया, अपना एक वृत्ति होता है ना, एक स्वभाव होता है ना, हम तो जब तक इच्छा तब मन को उधर उधर भटका सकते हैं नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया अनुकूल्य संकल्प, मतलब है जो काम करने पर है भगवान गुरु वैष्णव संतुष्ट होएंगे, संकल्प मतलब क्या, आज से हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, क्या प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसे कोई चीज देखेंगे नहीं, ऐसे कोई चीज सुनेंगे नहीं, ऐसे कोई चीज नहीं करेंगे जिसमें भगवान प्रतिकूल वस्तु हो, जिसमें गुरु वैष्णव भगवान असंतुष्ट हो, ये चीज को हृदय से त्याग दे। कोई बोलने पर त्याग दे फिर भक्ति क्या हो, हमें कोई बोलेगा भैया ये काम क्यों कर रहे हो, फिर जाकर के भैया तुम तो इस समय भी छुप करके काम कर सकते हो,
हृदय से अगर त्याग नहीं दोगे, किस समय अकेला बैठ कर छुप कर भी तो गलत काम कर सकते हो? नहीं। इसलिए बोलते अनुकूल से संकल्पम, अनुकूल को वस्तु को संकल्प करो। संकल्प मतलब क्या? आज से ऐसे कोई काम नहीं करना जिसमें मन हमारी विषय में जाए, आज से ऐसे ही काम करना जिसमें मन हमारी भक्ति में जाए, वह भक्ति प्रतिकूल वस्तु में मन नहीं चाहिए, संकल्प करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये व्रत को धारण करनी चाहिए। क्या व्रत है? हम लोग व्रत करते हैं ना, आज हमने ये व्रत रखा। व्रत मतलब प्रतिज्ञा, व्रत मतलब प्रतिज्ञा, लेकिन ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए अगर वही व्यक्ति ही ये भक्ति लता को आश्रय ग्रहण कर सकता है, तो केवल एक इच्छा है भगवत प्राप्ति, और हमारे हृदय में कोई इच्छा नहीं। इसी भक्ति लता का मूल प्राण है निरंतर स्वाभिष्ट भगवान की अनुकूलमय सेवा संपादन करना। जो भक्ति लता को एक उदाहरण दिया, वो भक्ति लता की तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है केवल निज अभिष्ट। क्या अभिष्ट है? हमें केवल भगवत प्रेम को ही प्राप्त करना। भगवत प्रेम ही जीवन का लक्ष्य, और कोई जीवन में लक्ष्य हमारा नहीं। इसलिए भगवान की अनुकूलमय सेवा संपादन करना, जो काम करने से भगवान की रोचमाना प्रकृति हो, भगवान की प्रीति हो, गुरु वैष्णव का प्रीति हो, वही काम ही हमें करना। यह अपने स्पर्श से पारसमणि की भांति इंद्रिय वृत्ति के प्राकृत स्वरूप लोहेपण को क्रमशः दूर कर चिन्मय स्वरूप पर विशुद्ध सुवर्णता रूप प्राप्त करा देती है। तो यहाँ पर और एक प्रश्न करते हैं, कहते भैया आप कह रहे हो कि जीवन में केवल भगवत भक्ति ही प्राप्त करना, लेकिन हमारे इंद्रिय तो जड़ है, हमारे इंद्रिय जड़ इंद्रिय है, हमारे जो मन का क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य प्रति हमारी इंद्रिया उसी तरफ भागती रहती हैं, हमारे शरीर भी जड़ है, फिर लेकिन भगवान की भक्ति, कहते भगवान की स्वरूप शक्ति का जो वृद्धि है, कहते ये भगवत भक्ति है, कहते ये जड़ इंद्रियों को द्वारा फिर वो भगवत भक्ति कैसे मिले? तो यहाँ पर उदाहरण देकर समझाते हैं। आप लोग सुने होंगे स्पर्श मणि होता है, वो लोहे को भी स्पर्श कराओ क्या कर, लोहे को भी वो सोना बना देती है स्पर्श मणि। उसी तरह जो भगवान की भक्ति, लोहा का हमारा शरीर जिसमें जड़ शरीर है, टाटी पेशाब खून पीत का ये शरीर है, हमारे शरीर इस चीज की, और भगवत भक्ति तो भगवान की स्वरूप शक्ति श्री राधारानी की वृत्ति, ये भगवत भक्ति। फिर ये जड़ शरीर में वो भगवत भक्ति फिर हमें कैसे मिलेगी? तो उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, जैसे पारस तत्तर लोहे को स्पर्श कराने पर जैसे लोहे को सोना बना देती है, जब हम इसी इंद्रियों को द्वारा ये भगवत भक्ति को हम जाजन करेंगे, धीरे धीरे भगवत भक्ति जाजन करते करते जब हमारी इंद्रियां 24 घंटा पे 26 घंटा उनकी स्मरण, उनकी चिंतन, उनकी कायर, उनकी दिन भर जैसे उसमें अगर इसको डुबा देखना एक दिन, धीरे 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 कहते सही देह पर तारे चिदानंद मय, और चिदानंद मय देह कृष्ण विलास करे। इसलिए कहते उसका जो जड़ शरीर एक दिन चिन्मयत्व की प्राप्त हो जाती, शरीर एक दिन उसकी अप्राकृतत्व को प्राप्त कर लेता है, दिन रात प्रभु की चिंतन कर। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे अब लोहे को आग में डाल दो, देखना क्या होता है, लोहे ऐसे लाल बन जाता है, ऐसे लाल लोहे को अंदर में ऐसे अग्नि तथात्म हो जाती है, वो लाल लोहे को अगर किसी चीज में लगा अभी जला करके राख देता है, क्यों? उसमें गर्म करते 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 उसके अंदर में ऐसे आग की तन्मयता अभिष्ट हो जाते हैं। कहते उसी तरह हम भक्ति करते 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 इंद्रिय वृत्ति की प्राकृत तत्व रूप लोहेपन को क्रमशः दूर करके चिन्मयत रूप परम विशुद्ध सुवर्णता रूप प्राप्त करा देती हैं। ये भगवत भक्ति के अंदर में इतने शक्ति है, इतने उसको दिव्य अपराधित उसको बना देती है।
फिर अंकुर रूप में प्रस्फुटित होकर साधन बनते नाम को दो पत्तियों को पैदा करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक ही चीज कैसे बैठ जाए, इसलिए उसको कोशिश करते हैं समझाने के लिए। कब पेड़ लगाया है जिंदगी में? तो पेड़ लगाया भी नहीं। आप जाना जैसे कब पेड़ लगाओगे, सबसे पहले उसमें क्या आएगा? सबसे पहले पेड़ लगाओगे उसमें एक पहला अंकुर आएगा, उसमें एक अंकुर आएगी। जब अंकुर आएगी फिर एक अंकुर तो एक आएगी, उसके बाद में देखना उसमें दो पत्ते। सबसे पहले उसमें दो पत्ते, कोई भी पेड़ लगा उसमें पहले उसमें दो पत्ते आए। कहते भैया ये दो पत्ता क्या है? कहते ये दो पत्ता क्या है? कहते साधन अवस्था में जो दो पत्ता है, कहते एक क्लेशग्नि और एक शुभता। इसको हम बाद में सुनेंगे, क्लेशग्नि मतलब क्या और शुभता मतलब क्या। जो दो पत्ते है क्लेशग्नि शुभता, क्लेशग्नि मतलब होता है अगर सही सही हम साधन करें ना जीवन का, जितने दुख कष्ट है हाँ? जितने दुख कष्ट जीवन का समस्त खत्म हो जाते हैं। और शुभता मतलब जीवन में मंगल मंगलमय होता है, सारा दुनिया में तुम्हारी नहीं चाहने पर सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगा, सारा दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करने लग जाएगी, सारा दुनिया तुम्हारी पूजा करने लग जाएगी हैं। और क्लेशग्नि जितने पाप बीज कूट प्रारब्ध अप्रारब्ध वो जितने सारे चीज सब खत्म हो जाते हैं। केवल दो पत्ते जब साधन बनते हैं, जब दो पत्ते निकलती हैं, आप पेड़ को देखना जो पत्ते निकलती हैं उसमें देखना, अंदर में जो पत्ते का अंदर को देखना वो बड़ी सुंदर मुलायम होता है। पत्ते के बाहर देखना थोड़ा खसखस होता है, देखना देखी कभी पत्ते में दो तरफ पत्ता होता है, पत्ते का दो तरफ, एक तरफ तक खसखस होता है और एक तरफ में बड़ा मुलायम होता है। बोले भैया वो क्या चीज है? कहते जो भक्ति को दो भाग में विभाग कर दिया है, कहते एक राग भक्ति और एक वैद्य भक्ति, एक राग भक्ति और एक वैद्य भक्ति। बोले भैया राग भक्ति किया और वैद्य भक्ति किया? बोले राग भक्ति उसको कहते हैं जो स्वाभाविक रूप में, स्वाभाविक रूप में भगवान की तरफ में जाना, स्वाभाविक रूप में, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं, ये मन स्वाभाविक रूप में। जैसे श्री गोपियां श्री राधा रानी जब कृष्ण भ्रमर बन करके आए और उनके चरण में बैठना चाहते हैं, उस समय राधा रानी को ये काले हैं धूर्त हैं, हमने सब कुछ छोड़कर इसको प्रेम किया और हमारा जीवन को हम इसको प्रति दिया, देखो हमें कैसे उसने रुला करके कैसे चला गया। इसलिए जितने काले सत्य युग में काले थे, तो आप त्रेता में भी काला था, ये भी काला है और कौवा भी काला है, ये कौवा भी काला है, खाता है और ठोकर मारता है कृष्ण इसे। किसी ने कहा भैया जब से आ रहे हैं तो काले 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 का बात करते जा रहे हो, फिर काले का बात छोड़ना, अरे बात करना तो दूसरे की बात कर, अरे काले की बात क्यों करते हो? बोले भैया यही तो चक्कर है, वो ऐसे हमारे कण कण में बैठ गया। हम तो चाहते हैं भैया इन्हीं आंखों से काले छोड़कर और कोई चीज देख ले, फिर उसमें ऐसे काला बैठ गया अंदर में, काले छोड़कर हरे और कोई पीली किसी दिखती नहीं, दिखती काली काली दिखती है। ये कान को समझाते भैया वो काले का बात छोड़ो, उसकी बंसरी की आवाज सुन मत सुनो, लेकिन कान में केवल उनकी बंसरी बंसरी की आवाज आती। ये जीवा को समझाते तो उसकी बात छोड़ना, बोलने के लिए बहुत सारी बात और भी बात बोलते बोलो, लेकिन जब से आया उसी काले काले, अरे यही तो बात है, वो ऐसे बैठ गया जीवा में, उसकी बात के सिवाय मुंह में कोई बात नहीं आती। ये जो भक्ति है इसको राग भक्ति होता है, जो स्वाभाविक रूप में कृष्ण को अपना सखा मान करके, कृष्ण को अपना बेटा मान करके, कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके, जो स्वाभाविक रूप में जो अभिष्टता है उसमें जो अभिष्टता है, कहते उसको कहते हैं राग भक्ति। उसका अंदर में जो मुलायम है ना, मुलायम जो पड़े ये राग भक्ति। लेकिन उसको ऊपर में पत्ते के ऊपर था ना खसखस है, उसको ऊपर में खसखस पड़ना है, बोले वो क्या है? बोले ये वैद्य भक्ति, इसको कहते हैं ये वैद्य भक्ति। बोले वैद्य भक्ति किसको कहते हैं? बोले शास्त्र के शासन के अनुरूप जो भक्ति, जैसे देखो ये जो मानव शरीर है भगवान दिया, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार दिया, भगवान के मानव शरीर बार बार ठाकुर हमें नहीं देते, इसलिए देख इस बिनु हेतु सनेही, कैसे भगवान हमें करुणा करके ये मानव शरीर दे दिया,
कैसे कृपा करके मिल गया। और जो मानव शरीर सुर दुर्लभ संदर्भ, ये मानव शरीर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ, ये मानव, इसलिए भैया ये मानव शरीर पा करके विषय में मन को नहीं लगानी चाहिए, विषय में ये मन को नहीं लगानी चाहिए। मन को क्या करनी चाहिए, एकाग्रता होकर के ये जीवन को केवल हरि गुरु वैष्णव सेवा में ही डूबो दो, तभी ये जीवन की कल्याण है, इस शरीर की तभी कल्याण है। इसलिए शास्त्र के शासन अगर भजन नहीं करोगे फिर वो 84 लाख जन्म में जाओगे, वही पैर कुत्ते गद्दे पेड़ पौधा बन करके घर भटक भटकते रहोगे। इसलिए क्या अगर समय को नष्ट नहीं करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जीवन को प्रभु के भजन में संपूर्ण उसमें डूबो दो, मन को इधर उधर न भटकाओ। ये भक्ति को किसी क्या भक्ति कहते हैं, इसको कहते हैं ये वैद्य भक्ति, विधि का अनुरूप। देखो सबरे उठकर के नाथ होकर तिलक लगा करके अनी करना, ठाकुर घर में जाना तो फिर आचमन करो, वस्त्र शुद्ध पहन करके जाओ ठाकुर घर में जाओ तो जूता पहन करके मत जाया करो ठाकुर जी घर में, शुद्ध कपड़े पहन करके जैसे ठाकुर जी का घर, ऐसे ठाकुर जी की रसोई घर भी ऐसे, खबरदार वहां पर कोई है ऐसे ऐसे वस्त्र पहन करके मत जाओ, शुद्ध रूप में ठाकुर जी की शुद्ध रूप में ये सब चीज को बनाओ। पूजा करने के लिए जो 32 स्तर का जो सेवा अपराध बताए, 10 स्तर का नामापराध से दूर होकर के भक्ति को, और भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। इसलिए कहती है भक्ति तो भक्ति है, ये तो भक्ति भक्ति, लेकिन होने पर भी वो खसखस है। जैसे ऊपर जो अंदर का भाव जो कोमल का था ना, स्वाभाविक के रूप में ये मन ठाकुर का प्रति जाता है, लेकिन यहाँ पर मन को समझा बुझा करके भैया सवेरे सवेरे उठो, मंगल आरती से पहले उठो, तिलक लगाओ, ठाकुर जी की मंगल आरती में चलो। लेकिन जब ठंडा का समय जो सोते रहते हैं, रजाई उड़ कर किसकी इच्छा होती है उठने की, किसकी इच्छा होती है उठने की, इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए बोले और थोड़ा सो जाओ, जितने जल्दी घड़ी कैसे आगे चला गया, इसलिए और थोड़ा सो जाओ है। लेकिन क्या नहीं भैया ठाकुर जी की मंगल आरती, अगर नहीं जाओगे तो मंगल ही नहीं होगा, उसका नाम ही मंगल आरती है, नहीं चलो। लेकिन मन कहता नहीं और थोड़ा सो जाओ, घड़ी देखे है, घड़ी देखे घड़ी देखे, इसलिए जो भक्ति, लेकिन वो भक्ति जो भक्ति कहते हैं उसको कहते हैं वैद्य भक्ति, स्वभाव के रूप में भगवान के प्रति मन नहीं जाता। लेकिन ये भक्ति तो भक्ति, लेकिन इसमें इतने आनंद नहीं, इसमें इतने वो राग भक्ति में जो आनंद है इसमें इतना आनंद नहीं। लेकिन यहाँ कहते हैं, लेकिन जो भक्ति की जो दो पत्ता निकला सुभदा क्लेशनी और सुभदा, लेकिन ये दोनों ही वैद्य भक्ति हो राग भक्ति हो, लेकिन लास्ट में एक वैद्य भक्ति जिसको भद्रेन्द्र ठाकुर कहते हैं विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न ताने राग मार्गे कारण प्रवेश। मतलब क्या है, यदि ये वैद्य भक्ति करते 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 धीरे 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 ये मन को जरा क्या हुआ, अपने आप उसको राग मार्ग में ठाकुर जी प्रवेश करा लेते हैं। अब देखना धीरे धीरे ये काम करते करते हरिनाम करते करते भजन करते करते, अगर एक दिन अगर हरिनाम नहीं किया भजन नहीं किया मन क्या हुआ, जैसे आज हमने कुछ नहीं, आज हमारी कुछ नहीं हुआ, सवेरे हरिनाम नहीं किया, आने की नहीं किया, ठाकुर को पूजा सेवा नहीं किया है, ये करते 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 एक दिन ये सब स्वभाव में एक दिन बैठ जाती है। लेकिन अभी हमें करना पड़ेगा, ये चीज को अभी करना पड़ेगा, भक्ति हमें आज करना पड़ेगा। इसलिए लेकिन जो दोनों भक्ति ही क्लेशनी और सुभदा को लास्ट में दोनों भक्ति दो पत्र निकलेगा, उसमें दो पत्र निकलेगा और एक सुभदा होगा और एक उसमें क्लेशनी होगी। उनसे उनमें से एक का नाम क्लेशनी और एक सुभदा, इन दोनों पतियों को भीतर रात प्रवर्त लगने डालो। भगवान के कहा जिसका मैं प्रिय आत्मा और पुत्र हूँ, इन शास्त्र वचन के अनुसार शुद्ध संबंध की सिद्धता से जब उत्कर्ष युक्त हो उत्कृष्ट भाग पर राग नाम का राज अधिकारी, इन दोनों पतियों को बाहर भाग, इसलिए हे परखीर सर्वात्मा भगवान की उपासना करने चाहिए इत्यादि शास्त्र प्रवर्तक लक्षण से युक्त होने के कारण कुछ रुखा होता है और उनकी बाहरी भाग इसलिए सर्वदा
निर्भय रहने का इच्छुक व्यक्ति सर्वात्मा हरि की उपासना करे। इसी श्लोक में प्रकाशित शास्त्र प्रवर्तक लक्षण है तो कुछ कर्तस अथवा रुखा अर्थात क्रिया का शुद्ध संबंध रहित होने से कुछ रुखा अर्थात उपकर्षता होता है। इसी भाग पर वैद्य नाम को दूसरा जगह दी जा रही परंतु क्लेश क्लेश को दूर करने में तथा शुभ गुण प्रदान करने में प्राय दोनों के कोई भेद नहीं है। मतलब अभी मैंने बताया इसका सार मैंने बता दिया, इसलिए अभी हमें साधन करना है निष्कपट रूप में। हम अभी भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें साधन करनी चाहिए। फिर हम कल सुनेंगे जो दो पत्ते हैं क्या है क्लेश अग्नि और शुभता। ये क्लेश अग्नि किसको कहते हैं और शुभता किसको कहते हैं, यहाँ पर गुरु जी ने बहुत कुछ उन्होंने उदाहरण देकर समझाया बहुत कुछ। इसमें गुरुदेव ने मैं तो जितना समझ पाए और जितने याद कर पाए आपको बताया, लेकिन गुरुदेव ने ये ग्रंथ में बहुत अच्छे तरह से चीज को व्याख्या की। इसलिए अपना घर में हो सके तो अपना घर में थोड़ी सी ये ग्रंथ को थोड़ी सी पढ़ना, ठीक है, उसको थोड़ी सी पढ़ना। और ये जो ग्रंथ है एक अनमोल एक दिव्य ग्रंथ है। ये ग्रंथ सचमुच से जो व्यक्ति धीरे धीरे अपना भजन में प्रवेश करना चाहते हैं और जिसका जीवन केवल एक ही लक्ष्य है हम जीवन में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति और जीवन में कोई इच्छा नहीं और एकाग्र होकर के इधर उधर मन को नहीं भटका करके किसी तरह का हृदय में किसी तरह का कोई अभिलाष नहीं रख करके केवल एक ही हमारी लक्ष्य है भगवत प्राप्ति व भगवत प्रेम है। तब ये ग्रंथ जब पढ़ोगे आप देखना वो सारी चीज ये ग्रंथ में आपकी अगर शुद्ध रूप में भक्ति करना चाहोगे ना फिर तो ये ग्रंथ को पढ़ करके आपको इतने आनंद ये ग्रंथ को पढ़ करके आप मिलेगा जो कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन कौन पढ़ करके आनंद मिलेगा, सचमुच से जीवन में जो जिसकी इच्छा है केवल हम भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य, जीवन हमारे कोई उद्देश्य नहीं। पिताई गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Thank you.
Gracias.